नमस्कार, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग बॉस स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 को जल्द ही अपना विनर मिलने वाला है। शो का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी को होने वाला है, लेकिन इससे पहले बिग बॉस के इस घर में काफी कुछ होगा। इस वीकेंड के बार में सलमान खान के शो में कुल 13 कंटेस्टेंट थे, लेकिन इतिहास में पहली बार एक साथ 3 इविक्शन हुए और मेकर्स के इस ट्विस्ट ने घर वालों को हैरान कर दिया। शो में पहले रिंकू धवन और नील भट्ट का इविक्शन हुआ और फिर एक धमाके के साथ बाबू भैया यानी अनुराग डोभाल भी बाहर आ जाएंगे। इस पर अब बिग बॉस OTT2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपना रिएक्शन दे दिया है। दरअसल बिग बॉस 17 के अनुराग डोभाल के इविक्शन की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। अब तक अनुराग के एविक्शन का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। एल्विश यादव ने भी चंद शब्दों में अनुराग के एविक्शन पर मेकर्स को निशाना बनाया। एल्विश यादव ने लिखा, वाह बिग बॉस। एल्विश यादव ने अपने इस पोस्ट पर एक पुराने पोस्ट के साथ टैग किया था, जिसमें वह अनुराग के एविक्शन की बात कर चुके थे। 24 दिसंबर के दिन एल्विश यादव ने लिखा था कि ऐसा क्यों लगता है कि बिग बॉस वाले अनुराग को किसी न किसी तरह से निकालना चाहते हैं। पब्लिक वोट से तो पॉसिबल नहीं। बता दें कि एल्विश यादव अनुराग डोभाल का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। वही लगातार अनुराग के लिए वोट की मांग फैंस से करते आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिग बॉस 17 में आगे और कितने खिलाड़ियों को जल्दी जल्दी बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो ये थी बिग बॉस की एक छोटी सी कवरेज। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।